कुछ लोगों ने अंदर विद्यालय परिसर में जब कॉपी सीलिंग हो रही थी, जब इसने घुसने का प्रयास करा, चपरासी को घायल करते हुए धक्का मुक्की की उसके साथ और प्रश्न पत्र वाले कमरे में घुसने का प्रयास करा। उनकी कार्रवाई देख के ऐसा लगा जैसे प्रश्न पत्र को लूटना चाह रहे थे वो। तो हम लोग सभी स्टाफ के लोग भागे ललकारते हुए, अपने 100 नंबर फ़ोन मिलाया तो भाग गए वो लोग। दोबारा वो लोग वापस आए और वापस आकर उन्होंने फिर से धमकी गाली गलौज शुरू कर दी। हमारे बाबू से धक्का मुक्की करी, फिर हम लोग गए तो फिर हमारा भी हमसे हमारे साथ भी धक्का मुक्की करने की उन्होंने, और मोटरसाइकिल पर बैठ के भागने का प्रयास करा। उधर से 100 नंबर की गाड़ी आई और उन्होंने उन्हें रगे हाथों पकड़ लिया वहाँ पर। ये सुबह की पाली की परीक्षा के बाद सर्वहितकारी इंटर कॉलेज में जब कॉपी वॉपी अपना चेक कर रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे, सब होता, पूरी तरह से गेट बंद ही था। तो कुछ लोग, दो तीन लड़के जैसा, इन्होंने बताया कि लात मार के अंदर घुसाए और प्रधानाध्यापक के कक्ष तक जाने का प्रयास किया, जिससे उसके गेट के ऊपर को थोड़ी चोट भी आई है और प्रधानाध्यापक के कक्ष तक जाने का प्रयास किया है। इनकी सूचना के आधार पर तीनों युवकों को पकड़ लिया गया है और जैसी भी ये अपना दरखास्त देते हैं उस हिसाब से हम पूरी कड़ी कार्रवाई करेंगे।